कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग कोहरेंट सोर्सेस, कोहरेंट सोर्सेस को कैसे बनाया जा सकता है। तो इसके लिए पहला पॉइंट है, कोहरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम सिंगल सोर्स। दो अलग अलग बल्ब मत लेना, एक ही बल्ब लेना और आगे दो स्लिट्स कर देना, कोहरेंट सोर्स बनेगा। द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स ऑफ लाइट रीचिंग अ पॉइंट फ्रॉम टू कोहरेंट सोर्सेज रिमेन कॉन्स्टेंट विद टाइम। इसका मतलब क्या है ये समझ लेते हैं, फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है। उसने ये बात क्यों कही, ये देखो, मान लो ये आपके दो कोहरेंट सोर्स हैं, ये मान लो सेंट्रल पॉइंट है, एक वेव यहाँ से आ रही है, एक वेव यहाँ से आ रही है, ये सेंटर पॉइंट है। मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर ये बिल्कुल आइडेंटिकल सोर्स है तो आइडेंटिकल वेव्स बाहर फेंकेंगे। मान लो दो वेव्स हैं, ये भी दो वेव्स हैं, दो वेव्स हैं, और इसमें अगर ये फेज 4π है, दो वेव्स का मतलब 4π, इसका भी 4π, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस की वैल्यू माइनस करके क्या आएगी, 0। आइडेंटिकल सोर्स है, एक जैसी वेव्स है। अब इमेजिन करो एक मिनट के लिए कुछ गड़बड़ हो गई सोर्स में, और इसने 4π की वेव सेंड की, इसने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी। क्यों की, क्योंकि ये कोहरेंट सोर्स है नहीं, और अगर इस वेव ने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी और इंस्टेड ऑफ 4π इसने एक एक्स्ट्रा वेव और सेंड कर दी, यानी कि वहीं पे पड़े पड़े बल्ब भी खराब हो गया समझो, और 5π हो गई। अब देखो यहाँ पर फेज डिफरेंस पहले 0 था, अब कितना हो गया, पाई। तो जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहाँ क्या हो गई, डिस्ट्रक्टिव। तो ऐसा नहीं करना, ऐसे बल्ब नहीं ऐसे बल्ब नहीं लेने जिसमें एक पॉइंट पे फेज डिफरेंस जो आ रहा था वहीं पर वो चेंज हो जाए, ये नहीं लेना, तो ये इनकोहरेंट सोर्स हो जाएंगे। कोहरेंट के अंदर अगर फेज डिफरेंस 0 है तो 0 ही रहेगा, सिंपल। तो इसलिए उसने वर्ड क्या यूज किया, कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट है, टू कोहरेंट सोर्सेज शुड गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट, सिंगल कलर लाइट, लेजर लाइट होनी चाहिए, व्हाइट नहीं होनी चाहिए। व्हाइट लाइट के अंदर प्रॉब्लम क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कलर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, देन ईच विल गिव इट्स ओन सेट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। सात रंग सात रंगों के साथ इंटरफेयर करेगी, तो डार्कनेस तो कहीं पर दिखेगी नहीं, क्योंकि सारी लाइट लाइट हो जाएगी, तो ओवरलैपिंग पैटर्न्स हो जाएंगे और आप इंटरफेरेंस देख नहीं पाएंगे। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। पाथ डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव फ्रॉम टू सोर्सेज शुड बी स्मॉल। अब इसका मतलब क्या है, पाथ डिफरेंस स्मॉल का मतलब समझो, इमेजिन करो आपके पास ये स्क्रीन है और आपके पास एक स्लिट यहां पर है और एक स्लिट आपने बहुत ही ज्यादा दूर रख ली, तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है, ऐसा सिचुएशन हो गई। अब इसकी दूरी इस पॉइंट पी से बहुत ही दूर है। अब होता क्या है, इसने ये लो दो वेव्स, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जाती 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 अपना एम्पलीट्यूड कम कर गई। क्यों कम कर गई, क्योंकि लाइट जितनी दूर ट्रेवल करेगी उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी, इंटेंसिटी एनर्जी कम हो जाएगी। अब ये थोड़ी ना कि आपने एक लाइट ली और वो तो 10 किलोमीटर तक भी एक ही जैसी है, नहीं होगी, लाइट खत्म हो जाएगी तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम होगी तो उसका एम्पलीट्यूड भी कम हो जाएगा। अब सोचो एक का एम्पलीट्यूड 2 है, था तो इसका भी 2, पर जाते 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 0.5 रह गया। अब देखो ना जहां क्रेस्ट ट्रफ पे गिरेगा, अगर ये दूर हो गए तो 2.5 को कैंसिल नहीं कर पाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो नहीं पाएगी। तो इसलिए ये पास होने चाहिए, पाथ डिफरेंस देखो ना, अगर ये बहुत दूर हो गया तो इसका और इसका पाथ डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया और इसने कम किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो पास होनी चाहिए। क्लियर है यहां तक? तो ये आपके कंडीशंस हैं कोहरेंट सोर्स होने के। वो कह रहे हैं कि व्हाट आर कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड क्या होता है, व्हेन ए इज इक्वल टू बी, यानी कि लाइट आइडेंटिकल होनी चाहिए, और जब वर्ड आइडेंटिकल आ गया तो कोहरेंट हो गया। तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए दो सोर्स क्या होने चाहिए, कोहरेंट। उल्टा बोलना शुरू कर दिया, कोहरेंट है तो सस्टेन्ड है, सस्टेन्ड है तो कोहरेंट है। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड दोनों के इक्वल होने चाहिए, परफेक्टली ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए सस्टेन्ड में। टू सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमेटिक, सेम कंडीशन है, व्हाइट लाइट नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट है टू सोर्सेज मस्ट बी पॉइंट सोर्स, बड़े बड़े ट्यूब्स नहीं होनी चाहिए, स्लिट नहीं होनी चाहिए, पॉइंट सोर्स ही होनी चाहिए। तो इसकी कंडीशंस हैं।